तो देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस पूरे लेक्चर पे, क्योंकि मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा इस पूरे कंसेप्ट का, जिससे कि पूरी तरीके से एकदम माइंड में पूरे फोकस के साथ सुनना है, जिससे कि इस टॉपिक की एक एक महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो हम गांधी इरविन समझौते पर बात कर रहे हैं। गांधी इरविन समझौता, या कह सकते हैं महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता। ये समझौता क्यों हुआ, अगर हम उसकी बात करें पहले तो यही हमें जानकारी होनी चाहिए कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। तो जो हमने लास्ट लेक्चर पीछे पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके साथ साथ आप जान रहे होंगे दांडी मार्च वगैरह के जो ये आपके चले गांधी जी के सत्याग्रह, उस दौरान जो लोग बंदी बना लिए गए, समझ रहे हैं, उसके अलावा जो अंग्रेजी शासन के द्वारा जो भारतीयों पर एक तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इन सबको ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, समझ रहे हैं, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। यह समझौता दिल्ली में हुआ, याद रखना, यह समझौता दिल्ली में हुआ, और इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके साथ साथ जब यह समझौता हुआ तो इसमें कुछ बिंदु रखे गए, यानी कि इस समझौते के, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर कोई भी समझौता होता है तो उसके तहत कुछ बिंदु रखे जाते हैं समझौते के तहत। तो गांधी जी के तहत भी कुछ बातें इस समझौते के द्वारा रखी गई और लॉर्ड इरविन के द्वारा भी कुछ बातें रखी गई। पहले मैं लॉर्ड इरविन के जो द्वारा बातें थी उन्हें बताऊंगा, पॉइंट आउट करके इसे हमेशा याद रखना। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये कहा गया पहला कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर सभी को रिहा कर दिया जाएगा। ये पहली बात लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी गांधी इरविन पैक्ट में। इसका अर्थ यह है कि ये मान के चलिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए अंग्रेजी शासन के माध्यम से, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उनमें गिरफ्तार लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो जिन्होंने हिंसा की थी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने हिंसा नहीं भी की, तो वो सभी पकड़ लिए गए। लेकिन इरविन के द्वारा पहली बात ये कह दी गई कि जो हिंसा करी है, यानी कि उन्हें हिंसा करने वालों को तो रोक लिया जाएगा, अन्य को छोड़ दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, यानी कि इरविन के द्वारा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है इस समझौते में कि जो भारतीय लोग हैं वो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही तो है, दांडी मार्च के ही तो उससे प्रारंभ हुआ था, तो समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय लोग हैं वो शराब और विदेशी वस्त्रों के दुकान पर धरना दे सकते हैं, लेकिन एक कानून के दायरे में रहकर। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इरविन के द्वारा रखी गई, और इसके अलावा मैं चौथी बात की बात करता हूँ तो ये रखी गई इसमें आपके गांधी इरविन समझौते में कि जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा जो पहले आंदोलनों में त्यागपत्र वाली बात कह दी गई थी, त्यागपत्र तो कुछ क्रांतिकारियों ने, यानी कि कुछ जिनकी सरकारी नौकरी थी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो त्यागपत्र जिन्होंने दे दिया था कि उनके त्यागपत्र को वापस ले, यानी कि सरकार उन्हें वापस करेगी, ये इरविन के द्वारा बात तय कर दी गई। यानी कि इनको एक लाइन में इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी से जिन्होंने त्यागपत्र दिए सरकार उन्हें वापस लेने में उदारता दिखाई। ये चार महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है इरविन के द्वारा जो की गई। ठीक है, मैं उन त्यागपत्र की बात कर रहा हूँ जो आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने दे दिए थे, लेकिन अब वो वापस कैसे जाएं अपनी नौकरी पर क्योंकि त्यागपत्र दे दिए, तो इरविन ने ये बात की ठीक है हम उन्हें वापस लेने में उदारता दिखाएंगे, यानी कि वापस ले लेंगे। ग
गांधी जी के द्वारा क्या बातें इस फैक्ट पैक्ट के तहत तय की है कि हम सविनय आंदोलन को स्थगित कर देंगे। पहली महत्वपूर्ण बात गांधी जी के द्वारा जो पहली महत्वपूर्ण बात थी वो ये कहती गई कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर रहे हैं हम अपना, वही सविनय जो पीछे चला था 1930 में। दूसरा, निकट भविष्य में जो दूसरा गोले में सम्मेलन होगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लेगी, ये तय हो गया, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसी कारण कई बार परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसी कारण दूसरे गोल में सम्मेलन में तो उन्होंने भाग ले लिया था, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या था कि कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये गांधी जी ने कह दिया, यानी कि बहिष्कार नहीं करेगी। तो कुछ बातें थी जो गांधी और इरविन के बीच रखी गई, किसको देखते हुए, भारतीय स्वतंत्रता को देखते हुए, भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को देखते हुए, नमक कानून को देखते हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए। तो उस समझौते को कहा गया था गांधी इरविन पैक्ट, ये कुछ बातें रखी गई। अब ध्यान से सुनना है, इस पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, ये खुद प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। यानी कि इसी 1931 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसमें गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा निश्चित, ये सीधा पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो याद रखना है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया था। और ये भी बनना है कि कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ये प्रॉपर क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने वाला है इस पे आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है, अरे क्लियर। इसके अलावा अगर हम अन्य पॉइंट की बात करें, ये जो कराची अधिवेशन है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसे आप तीन पॉइंटों में आप याद रखें। मेरे हिसाब से तीन पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पहला, कि गांधी इरविन पैक्ट को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक। दूसरा, 1929 में जो हमने लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था, जब हमने ये बात पढ़ी थी कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसमें स्वराज शब्द की मांग की गई, तो यहाँ स्वराज शब्द को स्वीकार किया गया था यहाँ पे, किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। ये प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनेगा कि स्वराज शब्द, देखिए दोनों में अंतर होगा, एग्जाम में ध्यान से सुन लें, अगर पूछा जाता स्वराज शब्द की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर पूछा जाता है कि स्वराज शब्द को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक शानदार वक्तव्य कहा था, जब पूछा जाता गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ये पूछा जाएगा ये वक्तव्य किसका है, तो पहले तो याद रखें महात्मा गांधी का है। दूसरा, किस अधिवेशन में ये महात्मा गांधी के द्वारा बात की गई थी, कराची अधिवेशन 1931, क्लियर। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एग्जाम दरोगा का हो, चाहे कॉन्स्टेबल का हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर बनते ही हैं, क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।